कुछ हो या ना हो मैगी मसाला होना चाहिए। इन लोगों ने लंदन को पूरा नीचे से खोद रखा है। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं ट्रेन में, डार्टफोर्ड जाते हैं अभी। अभी अभी मैं बस से उतरा हूँ और अभी जाएंगे ट्रेन में डार्टफोर्ड। ये रहा डार्टफोर्ड का, ये हमारा प्लमस्टेड का स्टेशन है। डार्टफोर्ड से डार्टफोर्ड अलग से, डार्टफोर्ड इज डिफरेंट ब्रो, DEPT इट्स कॉल्ड। DEPT ये DEPT का इरुको एक से ये डार्टफोर्ड और ना डार्ट DART सॉरी। हमारी ट्रेन आ गई है और चलते अंदर भाई, खुल जाए सिम से। हाँ हाँ तो हाल तो देखिए अभी हम ट्रेन से उतर गए और भूख लगी है खतरनाक, कब से घूम ही रहे। तो यहाँ पर पास में एक तालाब है, तो वहाँ तालाब पे सब लोग यहाँ पे फिशिंग करते हैं, लेकिन अभी तो कोई होगा नहीं शायद। तो हम वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे और हमें जो घर से पैक करके लाए वो अब खाएंगे। मतलब यहाँ की एक बात बताता हूँ मैं, जो यहाँ पर ईस्ट लंदन है ना, ईस्ट लंदन वहाँ देखो थेम्स रिवर है, वो पूरे बीच में से निकलती है लंदन के, लेकिन ईस्ट में कोई ब्रिज नहीं है। ईस्ट लंदन में सिर्फ एक ही ब्रिज है, वो भी यहाँ छेक एंड में है, मतलब लास्ट में है ये पूरा ब्रिज, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ईस्ट लंदन में कोई ब्रिज ही नहीं है, फूट टनल है, फिर वो मैं आपको दिखाऊँगा कि नीचे से रिवर के नीचे से वो टनल जाती है, चल के जा सकते हैं, साइकिल ले जा सकते हैं, कार्स नहीं जाती वहाँ से। तो एक वो तरीका है जाने का, और दूसरा ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन जो होती है वो अंडरग्राउंड ट्रेन जो यहाँ पे है वो पूरी मतलब नीचे से लंदन को पूरा उन लोगों ने यहाँ से इन लोगों ने लंदन को पूरा नीचे से मतलब ख़त्म ही कर दिया है पूरा एरिया। इन लोगों ने लंदन को पूरा नीचे से खोद रखा है। तो अगर आपको सामने वो ब्रिज दिखाई दे रहा हो, अगर वो ब्रिज हम देखेंगे आगे जाके, उससे पहले हम खाना खाएंगे भाई। आज धूप है इसलिए हमें घूमने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर तो यहाँ पे धूप होती ही नहीं है, होती है तो मतलब थोड़ी देर रहती है फिर बारिश आ जाती है,
लेकिन आज अच्छी सी धूप है। ये तालाब है, वहीं पर हम लंच करेगा, हमारा आज का लंच हमारा वही होगा तालाब पे। तो देखिए यहाँ पर लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, एक वहाँ पर किसने टेंट लगाया है, वहाँ पर कोई फिशिंग कर रहा है, और ये देखिए। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, डिलीशियस है अभी तो। ये ऐसा लिया, बहुत ही बढ़िया। देखिए अगर ऐसा व्यू हो तो खाने का मज़ा और बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको बाद में, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। कितना खाएगा? चार रोटी एंड सब्जी। लगता है मेरा भी दुखाएगा। हाँ, ये श्री राम वाले पत्थर है। एक पत्थर के ऊपर एक बैठा है, देखो नज़ारा तो एकदम बढ़िया है। वेदर भी बहुत अच्छा है, ठंडा, और ये देखो ग्रीनरी भी कैसी है, किसको मज़ा नहीं आता है यहाँ पर, देखो। चलो खाना हो गया ख़त्म, अब जाएंगे वो ब्रिज देखने, उसके बाद वहाँ पर थेम्स नदी, पता नहीं अभी वो जहाज है या नहीं, बड़ा वाला दिख तो रहा है। हेलो, कैसा लगा खाना? खाना तो बहुत अच्छा था, खाना हमेशा अच्छा ही होता है, खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। यूके में ऐसा लगता है जैसे घर पे ही रह रहे हो गुजरात में। हम जिनके घर पर रह रहे हैं वो आंटी बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, तो खाने में तो मतलब कुछ कमी नहीं है हमें। मैं ब्रिज की बात करा ना जो, मैं तो ब्रिज ये रहा, सो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्रिज इन लंडन। तो देखो यहाँ से पूरा बहुत बड़ा है, मतलब शायद कैमरे में तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये सबसे लंदन का सबसे बड़ा ब्रिज है।
तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी हम जाएंगे घर, उसके बाद खाकर सो जाएंगे। सो जाएंगे क्या? मूवी देखेंगे। हाँ तो मूवी देखेंगे, जो भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।